दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका रेट इन्फोवेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 04046। यह ट्रेन 14 घंटे में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो यह ट्रेन कवर करती है वो है 769 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 54 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, शनिवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी सेकंड टायर का किराया है ₹1975, एसी थर्ड टायर का किराया है ₹1385, स्लीपर क्लास का किराया है ₹505, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे का किराया है ₹209। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से हर शनिवार को रात के 11:35 पर रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पर यह सुबह के 5:40 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है लखनऊ चारबाग, जहां पर यह सुबह के 7:40 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है गोंडा जंक्शन, जहां पर यह सुबह के 10:03 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों बस्ती, जहाँ पर यह सुबह के 11:28 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन गोरखपुर जंक्शन पर पहुँचती है दोपहर के 1:35 पर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।